नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है रेडियंस आई में आज से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के पॉलिटी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुके हैं जिसमें हमने 2022 से लेकर 2018 तक के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा कि यूपीएससी बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है अब इस सीरीज के अंदर हम लोग पॉलिटी के सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो यूपीएससी ने 2022 से लेकर 2018 तक पूछे हैं और हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग अच्छे से करेंगे तो चलिए हम लोग अपनी इस सीरीज को शुरू करते हैं अगर आपने इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाके इस सीरीज को देख सकते हैं साथ ही साथ अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड डू लाइक आवर वीडियोज लेट्स बिगिन विद तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या है दट कंसिडर दहला स्टेटमेंट है रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमिटी द ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 सेवेंटी वन वॉज पास स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्टे सेल्व स्टेटमेंट थ्री Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. Fourth statement: In India, the Parliament is vested with powers to make laws on contempt of court. Which of the statements given above is or are correct? अब वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर जो है वो बता सकते हैं। The correct answer is one, two and four. तो चलिए अब एक-एक स्टेटमेंट को जरा हमलोग एनालाइज करते हैं। पहला स्टेटमेंट द कमिटी दट इज सान्याल कमिटी जो है वो कब बनी थी 1961 में बनी थी जो उस समय के एच एन सान्याल थे वो जर्नल थे एडिशनल जर्नल ये जो कमिटी बनाई गई थी एच एन सान्याल की इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन किया था ऑफ लॉ एंड प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड टू दर्ट इन द लाइट ऑफ द पोजिशन ऑप्टेन्ड इन आर ओन कंट्री एंड वेरियस फॉरिन कंट्रीज पोस्ट दिस जब ये रिकमेंडेशन सामने रखी गई तो इन रिकमेंडेशन को अप्रूव करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन को पास कर दिया गया हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है इंडिया के दे आर एम्पावर्ड एमपावर्ड पावर टू पेनलाइज़ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे आप आर्टिकल्स को जरूर ध्यान रखिएगा दैट इज आर्टिकल 129 एंड 215 जो बात करते हैं कंटेम्प्ट के बारे में सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट अगर कोई करता है तो उसको पेनलाइज कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल वन एंड टू हंड्रेड एंड तो वन कम्स फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड टू कम्स फॉर हाई कोर्ट लेट्स सी स्टेटमेंट हमारा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है वो डिफाइन नहीं करता सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को स्टेटमेंट फोर आर्टिकल फोर्टी टू क्लॉज टू जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इट क्लियरली स्टेट्स दैट द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड ऑन दिस बिहाव बाय द पार्लियामेंट द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव ऑल एंड एवरी पावर टू मेक एनी ऑर्डर ऑन द पनिशमेंट ऑफ एनी कंटेम्प्ट ऑफ इट सेल्फ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पार्लियमेंट के पास ये पूरी पावर्स है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत किसी भी तरीके के लॉज को पास कर सकती है सो दिस वॉज अ फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स मूव टू आर सेकेंड क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट लॉ ऑफिस एंड लीगल फर्म्स आर रिक्नाइज एज एडवोकेट्स बट कारपोरेट लॉयर्स एंड नीस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेक एज एडवोकेट से पावर टू ले डाउन द रूल रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉगन विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अबाव इज और आर करेक्ट आप वीडियो को पॉज करके सही आंसर बता सकते हैं टू ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट कॉर्पोरेट लॉयर्स एज वेल एज पेटेंट अटर्नीस इनको भी लॉयर्स की तरह ही रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड देर इज नो प्रोहिबिशन ऑन देअर रिकोग ऑफिसर्स लीगल फॉर्म्स को ही एडवोकेट नहीं बल्कि कारपोरेट लॉयर और पेटेंट अटर्नीस को भी रिकोगनाइज किया जाता है एज एडवोकेट सो दे बार काउंसिल ऑफ इंडिया Which visits and inspects universities or law colleges in the country are as a part of its statutory function of promoting legal education and laying down standards in consultation with universities in India and the state bar councils. Bar Council of India is a statutory body here which was established under Section 4 of Advocate Act 1961, which regulates legal practice and legal education in India. Ke andar so our second statement is correct. our third question is, consider the following statements. number 1, a bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of india. number 2, when constitution amendment bill is presented to president of india, it is obligatory for the president of india to give his or her assent. statement 3,

एंड इसके लिए हमें कोई भी प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ती है सो डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स कन्फ्यूज टू गेट कि मनी बिल के लिए तो हमें प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है तो क्या हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए भी लेनी पड़ती होगी तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए हमें कभी भी प्रेजिडेंट से कोई प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ती है स्टेटमेंट टू जो है वो यहाँ पे सही है

Which requires that the constitution of India can be amended by both houses of parliament by a special majority, and that is two-third majority. If houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, mein, kisi bhi ka disagreement, ho jai, there is no provision to summon a joint session on the parliament. The reasoning behind this is so as to not let the running government's majority in Lok Sabha undermine the Rajya Sabha in joint sitting. सो so, कभी भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होता है तो वो दोनों हाउसेज से इंडिविजुअली पास होना चाहिए और टू थर्ड मेजोरिटी से पास होना चाहिए बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ज्वाइंट सिटिंग जैसा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया जाता है चलिए तो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज मिनिस्टर्स इन टू फोर रैंक्स कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेप्यूटी मिनिस्टर्स टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड फिफ्टीन परसेंट ऑफ द टोटल इन दोकसभा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अबाव इज और आर करेक्ट आप वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर बता सकते हैं हेयर द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज टू ओनली स्टेटमेंट वन हमारा इनकरेक्ट क्यों है

Who shall, in the exercise of his function, act in accordance with such advice? सो स्टेटमेंट टू जो है वो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट टू जो है वो बात करता है कि थ्रू नाइनटी सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड थ्री के तहत आर्टिकल सेवेंटी फाइव में कुछ चेंजेस लेकर आए गए थे जिसमें ये बात कही गई कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड फिफ्टीन परसेंट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा तो जो भी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ हमारी है उस स्ट्रेंथ का फिफ्टीन परसेंट जो है वो क्या होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे So, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा नंबर वन टू राय द डेक्लेन ऑफ इमरजेंसी नंबर टू टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नंबर थ्री टू इम्पीच द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेल योर करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज बी ओनली लेट्स सी पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन डेट ऑफ इट्स इश इफ बोथ बाज ऑफ पार्लियमेंट दी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनेट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ पार्लियमेंट फॉर एवरी सिक्स मंथस स्टेटमेंट टू आर्टिकल नंबर सेवेंटी सब क्लॉज थ्री Provides clearly that Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of people House of People means Lok Sabha, and only Lok Sabha can pass no confidence motion against the Council of Ministers because Council of Ministers are collectively responsible towards the Lok Sabha, so is Pakovyga statement three it is incorrect. आर्टिकल नंबर 61 जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है इसमें यह बोला गया है कि व्हेन द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ टू थर्ड ऑफ द टोटल मेंबरशिप इन ईच हाउस दस इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा तो प्रेजिडेंट का इम्पीचमेंट लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी इनिशिएट किया जा सकता है Let's move to our next question. Question number six. With reference to anti-defection law in India, consider the following statement. Number one, the law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within six months of being appointed to the house. Number two, the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. Which of the statements given above is or are correct? So here the correct answer is 2 only. Number 1. Why is it incorrect? Jo nominated members hai house ke, they will be disqualified for being a member of the house if they join any political party after the expiry of 6 months from the date on which he takes the seat. Thus, he or she is free to join any political party within six months and would not be disqualified for the same. Statement 2 The law does not specify a time period for the presiding officer to decide on the disqualification plea under 10 schedule. डू रिमेंबर की एंटी डिफेक्शन कौन से स्कड्यूल का पार्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर वन अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर दी ओनली ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट हुआ दार्लियमेंट ऑफ इंडिया नंबर टू

Statement 2. Article 76. Attorney General shall hold office during the pleasure of the President and shall receive such remuneration as the President may determine conduct of government business. There is no mention in the Indian Constitution of the need for him to submit his resignation when the government which appointed him resigns. So that's why both the statements were wrong. Let's move to our another question. Question number 8. So with reference to the writs which are issued by the courts of India consider the following statements Mandamus will not lie against a private organisation unless it is entrusted with public duty Second statement mandamus will not lie against a company even though it may be a government company Number 3 any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto which of the statements given above is or are correct. Here the correct answer is 1 and 3. So, let's see the explanation. Statement 1 is correct. Mandamus is a command which is issued by the court to public official. It is one of the writs which has been mentioned in article number 32. In mandamus it is the command which is issued by the court to public official Asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform. It can be issued against a public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or even a government for the same purpose. Not usable against a private entity unless it is interested with public duty. Statement 2 is incorrect. Mandamus can be used against a government corporation or a company. Statement 3. co warranto which is issued by the court to inquire into the legality of the claim of a person to public office it prevents illegal usurpation of public office by a person unlike the other writs this can be sought by any interested person and not necessarily by the aggrieved person only so here the answer is c let's move to our next question with reference to deputy speaker of lok sabha consider the following statements number one as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as speaker may fix. Number two, there is mandatory provision that election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be either from principal opposition party or the ruling party. Number three डेप्यूटी स्पीकर हैज सेम पावर एज ऑफ स्पीकर वेन प्रिसाइडिंग ओवर ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाए अगेंस्ट हिस्स रूलिंग नंबर फोर द वेल एस्टैब्लिश पार्लियमेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज स्मूव बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं थ्री ओनली so let's see their solution number 1 the date of election of deputy speaker is definitely fixed by the speaker or speaker ka date of election kon fix karta hai it is being fixed by the president the statement 2 is incorrect there is no mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker shall be from either principal opposition party or ruling party

deputy speaker has same power as speaker when presiding over the sitting of the house statement 4 is incorrect why because deputy speaker is also elected by lok sabha from amongst its members right after the election of the speaker has taken place so there is no provision or established practice of moving the motion for his election by the speaker and it is seconded by the prime minister क्वेश्चन विच व्यूपीएससी इन ईयर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू इसमें हमने हर क्वेश्चन को डिटेल में समझा कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत क्यों है सो so इसके साथ हम लोगों ने 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस किया है वी होप दट आपको हमारी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो अच्छी लग रही हो आप इन सीरीज को कंप्लीटली देखिएगा हम पॉलिटी की सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने 2022 के क्वेश्चंस को आज देखा और अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में देखेंगे फॉर फर्दर अपडेट्स डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डू हिट अ लाइक बटन टेक केयर एवरी थैंक यू सो मच यू कैन ज्वाइन फॉर फर्दर कोर्सेज लाइक अ फाउंडेशन कोर्स फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर यूपीएससी और स्टेट पी You can join us for the test series for prelims, mains, for UPSC as well as state PCS. And even you can join us for subject specific classes which are also available at Radiance IS. For any detail, you can contact us on the given numbers in the description box. Thank you.